हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास का जो हमारा सिलेबस चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर आप एमसीक्यूज कहते हैं जिन्हें, वो डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा रिवीजन भी हो जाए। इसमें कुछ एमसीक्यूज जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, प्लस जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे अब एक सीरीज़ के ज़रिए। ठीक है, आज का एमसीक्यूज का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। पहला है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये नाम आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू ये हुआ है 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत देश में लागू हुआ है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसको छोड़ के हर जगह हर स्टेट में ये अप्लाई किया गया है। कब? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? सभी के लिए शिक्षा, ये सारी जो कमिटियाँ दी गई हैं उसमें से किसका लक्ष्य या गोल था, किस प्रोग्राम का गोल था कि सबको शिक्षा दी जाए? देखिए, कुछ लाइनें आपको कभी कभी नहीं पता होती, आपने नहीं सुनी होती, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो ऑप्शन दिए हैं उसको पढ़ के आंसर बनाने की कोशिश करिए। देखिए, सभी के लिए शिक्षा, शायद आपको ये लाइन कहीं याद ना आए कि हाँ ये तो हर पॉलिसी में होता है, कहाँ पे लिखूँ कहाँ पे ना लिखूँ। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है आपको। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में ज़्यादातर इन्होंने अंग्रेज़ों का साइड लिया था और निस्पंदन सिद्धांत का भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। निस्पंदन सिद्धांत जो था, जिसमें कहा गया था कि ऊपर वर्ग के जो या उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाएगी और नीचे को नहीं दी जाएगी, उधर फैले, तो सभी के लिए शिक्षा इनका मोटो तो नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल करिए। उसके बाद हमारा आए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसमें था कि बालिकाओं के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोविज़न बनाए गए थे, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। और बचा क्या, राष्ट्र शिक्षा नीति 1986। तो राष्ट्र शिक्षा नीति 1986 में आप देखेंगे जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी तो हर कैटेगरी के लिए बनाई गई थी, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बालिकाओं के लिए भी कुछ ना कुछ बनाया गया था। तो सभी के लिए शिक्षा इसका उद्देश्य हो सकता है और यही हमारा राइट आंसर है, राष्ट्र शिक्षा नीति 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86th संविधान संशोधन किस से संबंधित है? जो 86 संशोधन हुआ था, 86 संविधान संशोधन, वो किस से रिलेटेड है? लेट्स सी, ऑप्शन देखते हैं। बाल अधिकार से? नहीं, बाल अधिकार से तो 86 नहीं रिलेटेड है। बालिका संरक्षण से, लड़कियों का संरक्षण करना है? आई डोंट थिंक सो, ये भी आंसर है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से? तो हाँ, 86 संशोधन जो हुआ था संविधान में वो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था और ये हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम, हमने भारतीय शिक्षा आयोग का नाम भी सुना ही था बहुत बार, वुड का घोषणा पत्र नहीं, या वुड की शिक्षा आयोग नहीं, एंड कोठारी आयोग, कोठारी आयोग का भी ऐसा कुछ नाम नहीं था, राधा कृष्ण आयोग ना, हंटर आयोग का नाम भारतीय शिक्षा आयोग भी है, तो हमारा राइट आंसर है हंटर आयोग। मैकाले आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब पेश किया? मैकाले ने कब प्रतिवेदन पेश किया था? तो ये हमारा था 2 फरवरी 1835 को मैकाले आयोग ने अपना प्रतिवेदन सबमिट किया था। आरटीई का फुल फॉर्म क्या है?
RTE का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एंड्योरेंस, राइट टू एंट्री, राइट टू एलिजिबिलिटी। तो एक एक हम लोग कैंसिल करना चाहेंगे। देखिए, राइट टू एलिजिबिलिटी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। राइट टू एंट्री ऐसा भी हमने कभी सुना नहीं है। राइट टू एंड्योरेंस नहीं। राइट टू एजुकेशन आपने बहुत बार सुना होगा, अभी ये पूरे सिलेबस के दौरान हमने बहुत बार इसको ये नाम को लिया भी है। तो RTE का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। हंटर आयोग कब आया? हंटर आयोग आया था 1882-83 में। हंटर आयोग कब आया था? 1882-83 में। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य। तो भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे? मैकाले की शिक्षा की समीक्षा करना। तो मैकाले की शिक्षा का समीक्षा, ऐसा तो कुछ टारगेट नहीं था भारतीय शिक्षा आयोग का। कोठारी आयोग की समीक्षा करना ना, ये भी नहीं था। भारतीय शिक्षा आयोग के पहले जो कमीशन आया था वो था वुड कमीशन। और वुड कमीशन या वुड आयोग के बाद ही भारतीय शिक्षा आयोग आया था। तो वुड ने जो भी चीज़ें बताई थी या जो भी काम किए थे, उनके जो भी सुझाव थे, उनकी समीक्षा करना भारतीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य था। तो वैकाले कैंसिल, कोठारी कैंसिल, और हमारा जो लास्ट बचता है वुड आयोग की समीक्षा, वो आंसर हमारा है। क्योंकि वुड का घोषणा पत्र के बाद ही भारतीय शिक्षा आयोग आया था। और भारतीय शिक्षा आयोग का एक उद्देश्य ये भी था कि जो लास्ट गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था वुड का घोषणा पत्र, उसकी समीक्षा करें, सो दैट उसमें जो भी कमियां थी उसे हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करें नए आयोग में, या फिर भारतीय शिक्षा आयोग में जो भी गलतियां वुड आयोग में हुई हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट है फारसी व अरबी के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम मदरसा कब खोला गया? तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पढ़ा था कि कौन सा कब आया था, तो उसी में था फारसी व अरबी के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिन ने खोला था मदरसा, जो कि 1781 में था। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में आया था और इसके अध्यक्ष थे विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29(1) किस में आता है? 29(1) देखिए, हमने 29(1) पढ़ा है। इसे 29(1) लिखो या 29A लिखो या 29(a) लिखो, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 21(1) किस में आता है? राज्य के नीति निर्देश तत्व में नहीं, मौलिक कर्तव्य में नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है फिलहाल, मौलिक अधिकार में। 21(1) में हुआ था कि जो शिक्षा प्रदान करनी या फिर शिक्षा जो है सब बच्चों को देनी है, वो उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया था 21(1) के ज़रिए। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति कब आई या आई? 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति आई है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद कब हुआ था? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद हमारा आया था 1813 में। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद हमारा 1813 में आया था।
शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित सुझाव थे, तो ऐसा कौन सा आयोग था जिसमें शिक्षक के प्रशिक्षण से संबंधी, टीचर्स ट्रेनिंग के संबंधी सुझाव दिए गए थे? तो लेट्स सी, लॉर्ड मैकाले तो अपने बारे में ही पूरा सोच रहे थे। उनकी नीति पूरी ब्रिटिश सेंटर्ड थी या फिर ब्रिटिश की जो भी पक्ष में थी। लॉर्ड ऑकलैंड में काफ़ी मिलते जुलते उनके विचार थे। जो भी लॉर्ड मैकाले ने कहा उसी को उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया था। हंटर कमीशन ने काफ़ी कुछ शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में या भारतीय जनता के पक्ष में चीज़ें रखी थी या उनके एजुकेशन को या भारतीयों के एजुकेशन को बेटर बनाने की बात की गई थी। तो ये जो हमारे फर्स्ट जो ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड ऑकलैंड, ये कैंसिल होते हैं और हंटर आयोग या फिर हंटर कमीशन में शिक्षक प्रशिक्षण के संबंधी सुझाव दिए गए थे। तो हमारा राइट आंसर है हंटर कमीशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे।